मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज संस्कृत संस्थानम के विद्वानों को सम्मानित किया। उन्होंने कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वाराणसी के रामयत्न शुक्ल सहित 22 लोगों को साल और पुष्प देकर सम्मानित किया। डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार महोदय नाम संस्कृत एक बार जोर से अपने लिए ताली बजाएंगे सभी लोग। संस्कृत संस्थानम की अध्यक्ष साधना मिश्रा ने स्वागत भाषण में बोलते हुए संस्कृत संस्थान के लिए बजट बढ़ाने की मांग की। पहला बिंदु है मंडलीय संस्कृत सम्मेलन के माध्यम से सभी मंडलों में संस्कृत का प्रचार प्रसार करना तथा सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाना। दूसरा बिंदु है महर्षि वाल्मीकि जयंती के आयोजन को मंडलों तक सीमित न रखकर प्रदेश के सभी जिलों तक पहुंचाना। तीसरा बिंदु है संस्कृत संस्थान में ज्योतिष केंद्र की स्थापना कर ज्योतिष शास्त्र का लाभ प्रदेश के सभी जनों तक निःशुल्क उपलब्ध कराना। चौथा बिंदु है कि संस्कृत विषय लेकर पढ़ने वाले छात्रों को प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने हेतु विभिन्न विश्वविद्यालयों के विषय विशेषज्ञ मार्गदर्शन में कोचिंग की व्यवस्था। पांचवा बिंदु संस्कृत विषय लेकर पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन वृत्ति उपलब्ध कराना। छठा बिंदु है संस्कृत में शोध करने वाले छात्र छात्राओं के शोध पत्रों के मुद्रण हेतु आर्थिक सहायता। इस हेतु मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि संस्कृत संस्थान को बजट दिलाने की कृपा करें। वहीं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि सभी भाषा संस्कृत से ही निकलती है। उन्होंने कहा कि सबसे प्राचीन और सम्मान देने वाली भाषा संस्कृत ही है। ये हमारी सबसे प्राचीन भाषा भी है और जैसा कि कहा कि सभी भाषाएं इसी से निकली है। मैं समझता हूं जब बुजुर्ग लोगों के साथ रहें और अपने उम्र से ज्यादा उम्र के लोगों के बीच बैठें तो कहीं ना कहीं ज्ञान मिलता है। और आज जब संस्कृत के कार्यक्रम में हम लोग बैठे हैं बहुत जानकारियां भी मिली और बहुत बड़ा ज्ञान भी मिल गया। हालांकि हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, ग्रामोफोन का इन्वेंशन कब हुआ था ये तारीख तो याद रखते हैं, लेकिन सही मायने में ग्रामोफोन से कौन सी भाषा निकली आज जाने, या उस इन्वेंशन के समय पर किस भाषा को का इस्तेमाल किया गया। मैं समझता हूँ जहाँ आपने कहा कि हमारी प्राचीन भाषा है वही सबसे सम्मान वाली भाषा भी यही है। जहां धर्म से जुड़ी है, मंत्रों से जुड़ी है और कई बार अगर हमें भजन भी सुनने होते हैं तो बहुत मुश्किल होता है संस्कृत में और संस्कृत के सही भजनों को मिले कहीं पर। इस भाषा के लिए मैं समझता हूँ संस्कृत भाषा के लिए जहां सरकार की तरफ से जो हो सकता है वो करेंगे और आने वाले समय में इस भाषा को कैसे और समाज के बीच में पहुंचाया जाए उस दिशा में भी काम करेंगे।